सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं शैडो फाइट 2 के सारे हिडन वेपन्स के बारे में। अब देखो शैडो फाइट 2 में बहुत सारे हिडन वेपन्स है, एक से बढ़कर एक खतरनाक हिडन वेपन्स। और अगर मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता तो ये सारे वेपन्स हिडन ही रह जाते। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, और तुम्हें से ज्यादातर लोगों ने मुझे कहा था कि हाँ जरूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, इसी वजह से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सारे हिडन वेपन्स के बारे में शैडो फाइट 2 के। सो अब वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और अगर तुम हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स जंप टू द वीडियो। सो जो सबसे पहला हिडन वेपन है वो है कुनाई, जिसको यूज किया था शिन ने। एंड एज यू नो शिन सबसे पहला बॉडीगार्ड था लिंक्स का, जिसको हम डिफीट करने के बाद बाकी बॉडीगार्ड से लड़ते थे। और जैसे तुम गेम प्ले के अंदर देख सकते हो जो कुनाई है काफी ज्यादा अच्छा वेपन है, लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज वेपन है। सो मीडियम टू लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम इसको शॉर्ट रेंज कॉम्बैट में यूज करोगे तो तुम अच्छा खासा डैमेज दे सकते हो अपने ओपोनेंट को। और अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है ट्रायंगुलर नाइफ, जिसको यूज किया था स्पार्क ने। सो स्पार्क बेसिकली शैडो फाइट 2 स्पेशल एडिशन की एक कैरेक्टर है, और ये एक मर्सनरी है जो कि काम करती थी लिंक्स के लिए। और ये वो फर्स्ट एनिमी थी जिससे एनकाउंटर किया था सेंसे ने ओल्ड वुंड्स एक्ट 1 में। और जैसे तुम गेम प्ले के अंदर देख सकते हो जो ट्रायंगुलर नाइफ है, ये जस्ट लाइक कुनाई डैमेज देती है, लेकिन इसका डैमेज रिलेटिवली ज्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू कुनाई। एंड जस्ट लाइक कुनाई ये भी एक शॉर्ट रेंज वेपन है जिसको तुम लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में यूज नहीं कर सकते। और पता नहीं ये निंजास क्या खाते यार, छोड़ो ये बेटा अपरकट और ये निंजा गया। और अब अगर बात करें नेक्स्ट वेपन की तो वो है हेवी हैमर, जिसको यूज किया था बियर ने। और अगर तुम्हें इस भालू के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू, ये वीडियो का फोर्थ बॉडीगार्ड है। और ये जो हेवी हैमर वेपन है ये सिमिलर अपीयरेंस रखता है नॉर्दर्न हैमर से। एंड आई गेस कि नॉर्दर्न हैमर तुमको याद ही होगा क्योंकि हमने इसको अनलॉक किया था एक्ट 6 में शैडो फाइट 2 के। एंड इसको कैरेक्टर्स लाइक सैवेज और कुछ निंजास ने भी यूज किया है। बाय द वे सैवेज थोड़ा क्रेटोस जैसा नहीं लग रहा। और ये जो हैमर है इसको तुम यूज कर सकते हो शॉर्ट और मीडियम रेंज कॉम्बैट में काफी इफेक्टिवली। और क्योंकि ये हैमर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इस वजह से तुम इससे थोड़े बहुत लॉन्ग रेंज अटैक्स भी दे सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। और अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है सेंटिनल कुसारी कामा, जिसको यूज किया था पुमा ने। सो ये जो पुमा है ये वो पुमा नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ये एक्चुअली में वीडियो की फिफ्थ और लास्ट बॉडीगार्ड थी। और इसके पास ये जो सेंटिनल कुसारी गामा है इसकी सिमिलर सिकल हेड है जस्ट लाइक हेवी कुसारी गामा, जिसको यूज किया था आउटकास्ट ने। एंड एज यू नो कुसारी गामा चाहे कोई भी टाइप का हो वो हमेशा से लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए यूज हुआ है, और इससे तुम थोड़े बहुत शॉर्ट रेंज डैमेज भी दे सकते हो, लेकिन ये ऑप्टिमल है लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए ही। और अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है जुमानजी यारी, जिसको यूज किया था कॉर्पोरल ने। और ये कॉर्पोरल शोगन का फर्स्ट बॉडीगार्ड था। और इसके पास ये जो जुमानजी यारी है ये एक ऐसी टाइप ऑफ यारी है जिसकी एक पेयर ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स है अराउंड इट्स सेंट्रल ब्लेड, और डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट ये फंक्शन करता है सिमिलर यारी की तरह ही। और ये जो यारी है ये लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज कॉम्बैट के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमल है, बट पर्सनली सच्ची बताओ तो मुझे ये वेपन कुछ इतना खास पसंद नहीं है। एनीवेज अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है नोडाची, जिसको यूज किया था कैप्टन ने। और ये कैप्टन और कोई नहीं बल्कि शोगन का सेकंड बॉडीगार्ड है। और ये जो नोडाची है जिसको ओडाची भी कहा जाता है, ये एक लॉन्ग हेवी सॉर्ड है जो कि फंक्शन करती है डडाओ की तरह, और ये एक ट्रेडिशनल जैपनीज सॉर्ड है जो कि मेनली यूज की जाती थी सेरेमनीज के लिए। और इसके बड़े से साइज और वेट के वजह से ओडाची को रेयरली ही यूज किया जाता था किसी बैटल में, एज इसको चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। बट यू कैन इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ कैप्टन, क्योंकि ये बंदा आराम से सॉर्ड को चला लेता है। और ये जो नोडाची है ये लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज तीनों के लिए यूज होती है, और इसके हेवी वेट की वजह से इस सॉर्ड की अटैक स्पीड रिलेटिवली थोड़ी स्लो है। और अगर अब बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है वाकिजाशी, जिसको यूज किया था मेजर ने। सो मेजर शोगन का थर्ड बॉडीगार्ड है, और जो वाकिजाशी है सॉर्ड लाइक वेपन्स है जो कि शॉर्ट और मीडियम रेंज कॉम्बैट में यूज होते हैं। एंड एज यू कैन सी इन द गेम प्ले ये वेपन काफी ज्यादा मस्त है, क्योंकि इस वेपन से तुम ऑल थ्री एंगल्स पे अटैक कर सकते हो काफी इफेक्टिवली। और अगर अब बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है बायसेंटो, जिसको यूज किया था कर्नल ने। तो ये जो कर्नल है फोर्थ बॉडीगार्ड था शोगन का, और इसके पास ये जो बायसेंटो है ये एक टाइप ऑफ पोल आर्म वेपन है जो कि फंक्शन करता है नागिनाटा की तरह, लाइक जस्ट देखो तुम इसको, ये देखने में भी नागिनाटा की तरह ही है। एंड एज यू कैन सी इन द गेम प्ले ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव वेपन है, और इससे तुम कुछ शॉर्ट रेंज अटैक्स भी दे सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि तुम इसको एज अ लॉन्ग रेंज वेपन ही यूज करो अगर इस तरह से तुम्हें अपने ओपोनेंट को ढूल चटानी है। सो अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है बिग ग्लेव, जिसको यूज किया था जनरल ने। एंड एज एक्सपेक्टेड जनरल ऑफ फिफ्थ बॉडीगार्ड है शोगन का, जिससे हम एनकाउंटर करते हैं शैडो फाइट 2 में। और इसके पास ये जो यूनिक टाइप ऑफ ग्लेव है ये फंक्शनिंग करती है डिट्टो एज सफायर फैंग और सिल्वर ग्लेव की तरह। एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द प्रीवियस वेपन ये वेपन भी लॉन्ग रेंज
और मीडियम रेंज कॉम्बैट के लिए यूज होता है। सो अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है क्रशर, जिसको यूज किया था बोन ब्रेकर ने। और ये जो हड्डी का ढांचा ये जो बोन ब्रेकर है ये इंटरल्यूड के एक्ट 6 का एक निंजा है। और ये क्रशर एक काफी ज्यादा हेवी, बहुत ज्यादा खतरनाक, मीडियम टू शॉर्ट रेंज अटैक्स देने वाला वेपन है। और अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है सॉ ब्लेड, जिसको यूज किया था एमराल्ड ने। और ये जो एमराल्ड है ये एक फाइटर है एक्ट 7 चैप्टर 2 इनक्यूबेटर टूर्नामेंट का। और ये जो सॉ ब्लेड है ये एक लाइट काफी ज्यादा क्विक अटैक देने वाला वेपन है, जिसे तुम एकदम स्पीड में शॉर्ट और मीडियम रेंज अटैक्स दे सकते हो, एज यू कैन सी इन द गेम प्ले। अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है हंगर क्लॉज, जिसको यूज किया था कार्सर ने। एंड एज यू ऑल नो कार्सर एक अंडरवर्ल्ड का इटर्नल है। और ये जो हंगर क्लॉज है एक्चुअल में पेयर ऑफ साइट्स है, और इस वेपन का अपीयरेंस ओवरसाइज सिकल्स की तरह है। और जब कार्सर इनको यूज करता था तो वो इनको सेम मैनर में यूज करता था जस्ट लाइक मोवर्स, लेकिन इन साइट्स के साइज के वजह से इनके लॉन्गर रेंज ऑफ कॉम्बैक्ट है कम्पेयर टू नॉर्मल सिकल्स और मोवर्स। एंड एज यू कैन सी इन द गेम प्ले ये वेपन मीडियम टू लॉन्ग रेंज अटैक्स और साथ ही साथ शॉर्ट रेंज अटैक्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड एज यू कैन सी लॉन्ग रेंज अटैक्स में इसके अटैक्स बहुत ज्यादा कूल है। और अब अगर बात करें नेक्स्ट हिडन वेपन की तो वो है वॉर सॉर्ड, जिसको यूज किया है ड्राकेना ने। एंड एज यू नो ड्राकेना वो नाइन्थ इटर्नल है शैडो फाइट टू अंडरवर्ल्ड की, जिससे हम एनकाउंटर करते हैं। और इसके पास ये जो वेपन है ये बेसिकली पेयर ऑफ ह्यूज हुक सॉर्ड्स है, जो कि बेसिकली शोंग गाओ से भी बड़े हैं, या तो तुम कह सकते हो कि ये शोंग गाओ का एक बड़ा वर्जन है। और ये वेपन शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग तीनों रेंज में काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है। और अब अगर बात करें लास्ट और फाइनल वेपन की तो वो है जाइंट सॉर्ड, जिसको यूज किया था टाइटन ने। सो ये जाइंट सॉर्ड या टाइटन डेसोलेटर एक बहुत हेवी और एक बहुत बड़ी सॉर्ड है, जो कि एन्चांटेड है लाइफस्टील एन्चांटमेंट से। और ये सॉर्ड इतनी ज्यादा बड़ी और हेवी है कि टाइटन, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बड़ा है, वो भी इस सॉर्ड को बहुत धीरे धीरे से हिलाता था। और ये जो टाइटन डेसोलेटर है ये तुम टाइटन को अगर तुम इप्लिक्स मोड में भी हरा दो तो भी तुमको नहीं मिलने वाला। और ये टाइटन डेसोलेटर परफेक्ट है मीडियम टू लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए, बट ड्यू टू इट्स हेवी वेट एट द सेम पॉइंट इसके अटैक्स बहुत ज्यादा स्लो है। और मुझे तो ये सॉर्ड बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा फेवरेट वेपन कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई नो कि तुमको ये वीडियो पसंद आया है। सो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर एडियू मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।